नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज। पेट्रोल डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है, जनता परेशान है और जनता की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है। कांग्रेस ने आज एक बड़ा प्रदर्शन यहां पर शुरू किया है, पेट्रोल पंप के बाहर सेक्टर 16 लखानी मेट्रो स्टेशन के सामने आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, मौजूद हैं। हम आपको लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ पर कांग्रेस प्रभारी हरियाणा विवेक बंसल जी भी आने वाले हैं कुछ देर में, वो भी अपनी बात कहेंगे। हम आपको लाइव दिखाएंगे पूरा प्रोग्राम, आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये देखिए साथियों, जितेंद्र चंदेलिया जी अपनी बात रख रहे हैं, आप देख सकते हैं लखन सिंगला आपके सामने दिख रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मारने का काम फरीदाबाद विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। देश के अन्नदाता को मारने का काम 3 कृषि काले कानून लाके इन्होंने किया। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता होते तो डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत कभी नहीं बढ़ाते। साथियों, आज गरीब आम व्यक्ति की थाली से आप लोग देख सकते हैं, बड़ा सा बैनर भी लगा है, वो छूटती जा रही है। मोदी सरकार महंगाई की मार, मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार महंगाई का प्रहार, पेट्रोल डीजल की पूरी भूमिका में देश की आवाम के लिए, देश की जनता के लिए 15 जुलाई 2021 हमारा ये प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर हो गया, कांग्रेस पार्टी कर रही है, देख सकते हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, कांग्रेस पार्टी के जितने भी सम्मानित साथी हैं वो सभी स्थान ग्रहण कर ले और पीछे आ जाए। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के प्रभारी विवेक बंसल जी यहां पर आएंगे, आप लोग जुड़े रहिए, जल्द ही विवेक बंसल यहां पर आएंगे और उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद अपने कांग्रेस पार्टी के अभियान शुरू होगा। साथियों को धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बधाई भाई विजय प्रताप जी, भाई लखन सिंगला जी, भाई नीरज शर्मा जी विधायक NIT, मुकेश शर्मा जी पूर्व मेयर नगर निगम दाइमा जी, ये आप देख रहे होंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन कुमार सिंगला। हम धन्यवाद करते हैं चौधरी विजय प्रताप जी और उनके तमाम साथियों को, उनकी टीम का जो पूरे दलबल के साथ यहाँ पर आज के प्रदर्शन में उपस्थित हैं, जो जनहित के लिए पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ गूंगी बहरी भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और डबल इंजन की हरियाणा के अंदर मनोहर और दुष्यंत की सरकार के खिलाफ आज का हमारा ये प्रदर्शन है। साथियों, मुझे जो मौजूदा हालात, भयावह हालात जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में बना दिए हैं, आम जनता जिसमें पिस रही है, एक शायर की पंक्ति मुझे फैज साहब की एक पंक्ति याद आती है। फैज साहब बहुत बड़े शायर हुए हैं कि नया निजाम नई बंदिशे ऐलान नया निजाम नई बंदिशे ऐलान नया। फैज साहब की वो पंक्ति आज चरितार्थ होती है, जैसे तुगल की फरमान, मोदी सरकार आम जन को मारने के लिए, जनता को मारने के लिए कोरोना काल में दिल्ली से सुना देती है। साथियों, मुझे फैज साहब का वो शेर याद आता है कि नया निजाम नई बंदिशे ऐलान नया निजाम नई बंदिशे ऐलान नया, हम फकत लश्करे शाही के माफिक सोचे और शाही के वक्त ने ये हुक्म किया है जारी कि अपनी नस्लों से कहो मेरे मुताबिक सोचे। लेकिन साथियों, इस तुगल की फरमान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है, तब से कांग्रेस पार्टी, चाहे किसान की बात हो, अन्नदाता की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बढ़ते हुए अपराध की बात हो, साथियों कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरकर जनहित के मुद्दों को उठा रही है। आज पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आम जनता का जीवन जीना दुभर हो चुका है।
साथियों, आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से खुदरा बाजार से लेकर फल सब्जियों से लेकर हर चीज पर महंगाई का एक बहुत बड़ा दंश लग चुका है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार है। कैबिनेट बदलने से देश का विकास नहीं होगा। 25 लाख करोड़ रुपए, मैं सभी मीडिया कर्मी जो मेरे साथी आए हुए बताना चाहता हूँ, आपको पता है, विदित है आपको, 25 लाख करोड़ रुपए अर्जित किए हैं अब तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाकर केंद्र की मोदी सरकार ने। लेकिन कोई भी मूलभूत समस्या, कहीं भी मूलभूत चीजें जो मिलनी चाहिए जनता को, वो नहीं मिल पा रही है कोरोना काल के अंदर। इनका दिखावा है, किसान विरोधी है ये लोग, मजदूर विरोधी है ये लोग, कर्मचारी विरोधी है ये लोग, बेरोजगार युवाओं का इन्होंने शोषण किया है। NCRB के आंकड़े बताते हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड बताता है कि 2015 सबसे पहले किसान, जहाँ किसान आत्महत्या करते थे, आज भी किसान देश का अन्नदाता आत्महत्या कर रहा है, लेकिन किसान अन्नदाता से भी ज्यादा आत्महत्या पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवा कर रहा है। लेकिन 2015 के बाद मोदी सरकार ने NCRB के आंकड़े दिखाने बंद कर दिए हैं। साथियों, आज पेट्रोल और डीजल की और रसोई गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, आम जन से, गरीब आदमी से, उसका खाना भी दूर हो चुका है, उसकी थाली भी दूर हो चुकी है। तो आज का हमारा ये प्रदर्शन मोदी जी की गूंगी धरी सरकार को जगाने का है, उनको ये एहसास दिलाने का है कि जो आप काम कर रहे हैं चंद पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप हर क्षेत्र के व्यक्ति को मार रहे हैं। छोटे दुकानदार आपने मार दिए, छोटे उद्योग आपने बंद करा दिए। तो दुर्भाग्यपूर्ण हालात कोरोना काल के अंदर आज यहाँ पर बन चुके हैं। और आज का हमारा कांग्रेस पार्टी का ये प्रदर्शन, जो पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते हुए, आसमान छूते हुए कीमतों के खिलाफ है और गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए है, हम इसका श्रेय बड़े भाई लखन सिंगला जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस भाई विजय प्रताप जी, नीरज शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, तमाम हर बरादरी, हर धर्म, हर मजहब के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को देना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। इनकी तरह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और विचारधारा गांधीवादी है, सर्वधर्म संभाव, सर्वधर्म निरपेक्षता, सभी धर्म, सभी जाति, सभी को एक साथ लेकर, एक सूत्र में प्रोकर कांग्रेस पार्टी लेकर चलती है अपने साथ। साथियों, धर्म और जाति की राजनीति, हिंदू और मुसलमान की राजनीति, ये भाजपा के लोग करते हैं। आज पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ने से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही भयावह हालात कोरोना काल के अंदर बन चुके हैं। आम जिनका जीना दुभर हो चुका है, अब मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता त्रिलोक चंद तंवर जी आए और अपने दो विचार, जो गूंगी बहरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ाए, दो विचार अपने रखें। त्रिलोक चंद जी, धन्यवाद सुनीला जी। आज अपने लखन सिंगला जी, मुकेश शर्मा जी और सभी वरिष्ठ नेता हमारे फरीदाबाद के, और जैसा कि हरियाणा के प्रभारी वीर पंचल जी आ रहे हैं, उनका यहाँ स्वागत करेंगे और प्रदर्शन करने जा रहे हैं हम जिला लेवल पर। केंद्रीय प्रदर्शन है आज की डेट में। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, समझ नहीं आ रहा, हमने बहुत सी सरकारें देखी, बहुत सी सरकार आई और गई, चली गई, हमसे बड़े उम्र के लोग बैठे हैं, समझ नहीं आता कि सरकार चला कौन रहा है और कैसे चल रही है, किसकी चल रही है। ना प्रशासन की समझ बात आ रही है, ना नेताओं की समझ बात आ रही है। मैं तो अपने विशेषकर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, विशेषकर जो स्टेट लेवल के हैं या केंद्र में जो बैठे हैं, कि भाई जब तक आपका संगठन नहीं बनेगा, इतने साल हो गए हरियाणा में, अभी तक संगठन नहीं है। अब जिस समाज का संगठन ना हो, जिस सरकार पार्टी का संगठन ना हो, वो पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। हम अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, सिंगला जी कार्य कर रहे हैं, हर आदमी अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा हमारा, जब तक मुझे उम्र नहीं दी जाएगी, मैं विशेषकर हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा यहाँ से आपके माध्यम से, कि संगठन को मजबूती से बनाए और जल्दी से जल्दी जिला स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर अपना संगठन बनाए, तैयार करें, दूसरों को देखकर कुछ सीख लें। आज इकट्ठा हो रहे हैं, हम चाहते हैं इतनी महंगाई और आम आदमी
पीड़ित है, त्रस्त है। ऐसा राजा हमने आज तक नहीं देखा। जिस राज में आम जनता पीड़ित हो जाए उस राज का जाना जरूरी हो जाता है। और हम सब मिलकर के ये कामना करें प्रभु से भी और संगठित होकर करें सारे संघर्ष की सरकार को घर फेंके आने वाले टाइम में। यही धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व पार्षद अनिल शर्मा जी, वो आए और दो शब्द रखे। अनिल शर्मा जी भाई, एक बार जोरदार तालियां, हौसला देंगे। इस प्रोग्राम के आयोजक आदरणीय बड़े भाई लखन सिंगला जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई विजय प्रताप जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय हमारे दायमा जी, नीरज जी, रेणु जी, आदरणीय हमारे मंच के संचालक जितेंद्र चलेजा जी, आदरणीय हमारे युवा नेता नितिन सिंगला जी, आदरणीय लाला शर्मा जी और इस प्रोग्राम में आए सभी गणमान्य व्यक्ति भाइयों, जो महंगाई के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन रखा है, ये सभी को इसके बारे में जानकारी है। हर व्यक्ति इस चीज से जानकार है कि महंगाई इस समय पेट्रोल डीजल हर रोज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे गैस का सिलेंडर जो कि जिस पर सब्सिडी मिलती थी, पहले 410 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता था, आज 850 रुपए से भी ऊपर पार हो रहा है हर रोज। अभी पिछले एक तारीख को 26 रुपए गैस के सिलेंडर पर बढ़ाए गए थे। चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, व्यापारी हो, हर वर्ग महंगाई से त्राई त्राई कर रहा है। हर आदमी परेशान है। तो भाइयों, इस महंगाई के विरोध में प्रदर्शन चलता रहेगा, जारी रहेगा। इस सरकार को जो सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है, उस पर हम विरोध करते रहेंगे और अपनी बात को रखते रहेंगे। धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सांसद साहब का। अब मैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता